कुछ स्थानों से ऐसी घटनाओं की जानकारी भी मिली है जिसमें हृदय को गहरी चोट पहुंचती है, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि अगर ऐसी कोई गतिविधि कहीं दिखाई दे रही है, इस सेवा में रत, इस महामारी से हम लोगों को बचाने के लिए जो काम में लगे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मेडिकल के लोग हैं, सफाई के लोग हैं, अगर उनके साथ बुरा बर्ताव होता है तो आप भी अगर वहां उस इलाके के लोगों को जानते हैं, उनको चेतावनी दीजिए, उनको समझाइए ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जो भी सेवा कर रहे हैं उनकी हमने मदद करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब मुझे कल सब डॉक्टरों से बात कर रहा था, मुझे पता चला घटनाएं भले छुटपुट कहीं कहीं होगी लेकिन मेरे लिए गंभीर है, और इसलिए मैंने तत्काल गृह विभाग को, राज्यों के सभी डीजीपी को सख्ती से काम करने के लिए कहा है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ, सेवा करने वालों के साथ अगर इस प्रकार का कुछ भी करेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा और सरकार सख्त कदम उठाएगी। संकट की इस घड़ी में मैं देशवासियों से ध्यान दौड़ना चाहूंगा, क्या आकर्षित करना चाहूंगा, संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है, आज यही हमें मृत्यु से बचा रहे हैं, अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। एक कल मैंने पढ़ा था, जगह जगह सुनने में आया था कि कुछ डॉक्टर्स को और नर्सेज को कुछ इलाके के अंदर उनके मकान मालिक उनको घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। उनका मकान मालिकों का कहना है कि ये डॉक्टर्स और नर्सेज 24 घंटे कोरोना के मरीजों के बीच रहते हैं, तो इसलिए इनको कोरोना हो गया होगा और अगर ये यहाँ रहेंगे तो मकान मालिक को भी कोरोना हो जाएगा, इसलिए उनको निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये गलत है। उन मकान मालिकों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कल को खुदा ना करे, भगवान ना करे, आपके घर में किसी को, आपके बच्चे को कोरोना हो गया तो ये डॉक्टर और नर्स ही काम आएंगे और कोई नहीं काम आएगा। तो इसीलिए ये ऐसा मत कीजिए, ये डॉक्टर और नर्स हमारे लिए भगवान का काम कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी बचा रहे हैं। आप सभी मकान मालिकों से निवेदन है कि हमें इनको सलाम करना चाहिए, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, सारे देश को शुक्रिया अदा करना चाहिए इन लोगों का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये लोग इन्फेक्ट हुए तो हम लोग इनकी सेवा करेंगे, हम लोग इनको ठीक करेंगे। और अगर कोई मकान मालिक फिर भी नहीं माना तो हमने ऑर्डर्स कर दिए हैं, दिल्ली सरकार ने ऑर्डर्स कर दिए हैं, दिल्ली पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमने कई जगह पे गरीबों के खाने की व्यवस्था की है। वैसे तो हम राशन के ज़रिए हर 72 लाख लोगों को, हर व्यक्ति को 7.5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। हम 8.5 लाख परिवारों को 5,000 पेंशन दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके दायरे से फिर भी बाहर रह जाएंगे। ऐसे होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोग होंगे जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसे लोग होंगे जिनको बिल्कुल खाने की भुखमरी के कगार पे हैं। हम नहीं चाहते कि एक तरफ कोरोना से तो बच जाएं और भुखमरी का शिकार हो जाएं। तो हम लोगों ने कई जगह दिल्ली के अंदर उनके लिए लंच और डिनर का इंतजाम किया हुआ है, उनको हम खाना खिलाते हैं, लेकिन अब लोगों की संख्या बढ़ रही है जो खाना खाने वालों की, तो आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऑर्डर दे दिए हैं। और ऐसे स्थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है पूरी दिल्ली के अंदर, अब कई स्थानों के ऊपर हम खाने का इंतजाम करेंगे। वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का मुझे बताया गया कि अच्छे से पालन किया जा रहा है, लाइनों में जो लोग खड़े होकर खाना ले रहे हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम फॉलो कर रहे हैं और इनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन सरकार जितना मर्जी कुछ कर ले, सरकार तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक समाज और देश साथ नहीं देता। मेरी आप सब लोगों से फिर से विनती है, ये बहुत पुण्य का काम है, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं,
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अपने इलाके की जिम्मेदारी लीजिए। आप जिम्मेदारी लीजिए कि मैं अपनी कॉलोनी के अंदर, पड़ोस की झुग्गी बस्ती के अंदर, पड़ोस की कच्ची कॉलोनी के अंदर, मैं इस इलाके की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, यहाँ किसी को भूखे नहीं सोने दूंगा। और आप इंश्योर कीजिए कि सब लोगों को खाना मिले। जिन जिन लोगों को भगवान ने ज़िंदगी में कुछ दिया है, वो सब लोग ये जिम्मेदारी लें कि भगवान ने हमें दूसरों के काम आने के लिए सब कुछ दिया है, ये पुण्य का काम है और यही सच्ची देशभक्ति है। जय हिंद।